तो फाइनली गाइस मशीन स्टार्ट हो चुकी है और मूंगफली निकालना स्टार्ट कर रही है। देखो कूड़ा उधर फेंक रही है, इधर से लोग उठा उठा के दे रहे हैं और उसमें ऊपर से डालना पड़ता है, ऐसे निकलते हैं मूंगफली। हे गाइस वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग एपिसोड। तो फिलहाल गाइस सुबह के 9 बज चुके हैं और मैं अभी खेत पे गया था क्योंकि वहाँ मूंगफली निकलने वाली है, मशीन भी आने वाली है। तो मैं और शुभम गए थे अभी जरौली क्योंकि ट्रैक्टर नहीं मिल रहा, और अभी जा रहे हैं अपने गाँव में ट्रैक्टर देखने के लिए। ट्रैक्टर कोई मिल नहीं रहा, फटाफट से देखते हैं किसका ट्रैक्टर मिलता है और मूंगफली मशीन भी आती होगी निकालने के लिए। तो सुबह आम लेके जा रहा है, वहीं से लेके आए हैं जरौली से बाग में से अपना ही बाग है। फटाफट से जाके ट्रैक्टर देखते हैं कितनी देर मिलता है, फिर मशीन से निकलवा देते हैं। देखो यहाँ तो पूरा लट्ठा उड़ गया बिजली को, देखो कितना बड़ा लाइन है, कितना बड़ा लट्ठा है और पूरा गल गया, देखो पूरा उखड़ गया है। ट्रैक्टर लेके आ चुका हूँ, मशीन भी आ चुकी है, मूंगफली वाली निकाल ली है। ट्रैक्टर भेजी बहुत देर मिली ना, इसलिए लेट हो गया मैं। ट्रैक्टर तो पहले से खड़ा था लेकिन ट्रॉली नहीं मिली थी, इसलिए ट्रॉली बहुत देर में मिली, ट्रॉली लेके आ गया सुबह पहुँचना पहले ही। देखो कितने सारे वो ऑफ रोडिंग हो रही है पूरी। फटाफट से पहुंच जाते हैं, पापा जी डांटेंगे मेरे को, फिर कहेंगे इतनी देर में आया है। तो गाइस अभी ट्रैक्टर लेके खेत पे पहुंच चुके हैं। देखो मशीन तो चल रही थी लेकिन उसमें कुछ दिक्कत आ गई, तो सही कर रहे हैं, थोड़ी सी मूंगफली निकल गई हैं। ये लोग अभी मूंगफली खा रहे हैं, जब तक मशीन बंद है ना तब तक ये मूंगफली खाते रहेंगे ऐसे ही। ये दोनों लगे हुए हैं जिनकी मशीन है, शिवम तो देखो मूंगफली देख रहा है। मैं तो अभी ट्रैक्टर पर बैठा हुआ हूँ, कुछ लेबर उधर काम कर रही है, ये 5-6 लोग यहाँ बुला ली थी काम के लिए। फाइनली गाइस मशीन स्टार्ट हो चुकी है और मूंगफली निकालना स्टार्ट कर रही है। देखो कूड़ा उधर फेंक रही है, इधर से लोग उठा उठा के दे रहे हैं और उसमें ऊपर से डालना पड़ता है, ऐसे निकलते हैं मूंगफली। लेकिन मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है और आपका भी फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा इसको देखना निकलते हुए, क्योंकि मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा, क्योंकि अब कहीं हमारे पास हमारे खेत में मूंगफली हुई है तो अब कहीं देख रहा हूँ मैं। तो गाइस अभी मशीन को साफ कर रहे हैं क्योंकि इसमें मिट्टी जाम हो गई है, क्योंकि बारिश हुई थी तो उसकी वजह से मिट्टी इसमें चिपक गई और मूंगफली निकल नहीं पाई, इसलिए सफा कर रहे हैं उसको क्योंकि वर्षा ज़्यादा हो चुकी है, देखो कितनी वर्षा हुई है। गाइस अभी ट्रैक्टर को सड़क पे लेके आ चुके हैं क्योंकि पानी ज़्यादा भर चुका था खेत में, तो ट्रैक्टर काफ़ी मुश्किल से निकल के आया है। और देखो सामने वाले खेत में पूरा पानी भर चुका है, अभी हम ट्रैक्टर पर बैठे हुए हैं। जो हानि मूंगफली निकाल रहा था वो ट्रैक्टर तो अपने घर के लिए निकल चुका है क्योंकि अब मूंगफली निकलेंगी नहीं क्योंकि पानी ज़्यादा भर चुका है। सुबह हम देखो पूरे आनंद ले रहा है बारिश में, देखो कितना पानी भरा हुआ है, पूरे में पानी पानी भरा हुआ है। और जो लोग हमारे यहाँ काम कर रहे थे ना वो अपना कूड़ा फैला रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा टाइम और बचा है, पापा जी ने बोल दिया कूड़ा फैला दो फिर आपको घर छोड़ देंगे। तो आज ट्रैक्टर लेके मैं जाऊँगा, पापा जी जाएंगे बाइक से, तो फटाफट से चलते हैं घर। तो अभी गाइस खेत पर से आ चुके हैं क्योंकि खेत पर वर्षा आ गई थी तो मूंगफली वूफली निकल नहीं पाई, थोड़ी सी निकल पाई थी वो मैंने घर ला के डाल दी है और ट्रैक्टर भी खड़ा करके आ चुका हूँ। फिलहाल देखो शाम का नज़ारा कैसा हो रखा है। और गाइस अभी खेत पर घूमने आए हुए हैं हम और 2-3 लोग मेरे साथ और हैं, भाई हैं अपने और एक भाई पीछे खड़ा हुआ है, फ़ोन चला रहा है, बस फोन में लगा रहता है पूरे दिन, गेमिंग खेलता रहता है। फिलहाल देखो शाम का नज़ारा कैसा हो रखा है, मस्त हो रखा है, देख दिखाता हूँ। लच को लाली पो तेरा आई देना, बीत को बीहन ओढ़ी छाई देना, मोहनी मौसम लिपेरा औदा, मोहनी मौसम लिपेरा औदा। तो गाइस आपने देख लिया शाम का नज़ारा कितना अच्छा हो रखा था। तो बस आज के ब्लॉग में यहीं एंड करता हूँ, मुझे उम्मीद है कि आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।